हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ गया हूं उन युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूँ, एसएससी जीडी ने दोस्तों 2020 में 34,000 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों, ये नई भर्ती है, 2020 में होनी है ये। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महिला और पुरुष दोनों ही हैं और ये ऑल इंडिया भर्ती है। दोस्तों, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट दोस्तों आपकी होगी 18 से 23 साल और यहाँ पे यूनिट वाइज वैकेंसीज निकली हुई हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए हर फोर्स में वैकेंसीज निकलेंगी, तो आपके लिए जो भी फोर्स पसंद हो तो आप उस फोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे BSF, CISF, NIA, ITBP, CRPF, आसाम राइफल एंड SSB। तो दोस्तों, जानेंगे हम आगे की वीडियो के इस इन्हीं भर्ती के बारे में डिटेल में, तो कौन से फोर्स में किस तरह की क्वालिफिकेशन ली जाएगी और ये ऑनलाइन आवेदन जो है वो कब से शुरू होंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होगी, इसी तरह की अन्य जानकारी भी हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि ये सभी के पास में ये वैकेंसी की डिटेल पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं SSC GD कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट 2020। तो यहाँ पर 34,000 पोस्ट हैं, कॉन्स्टेबल की वैकेंसीज हैं दोस्तों, जो कि SSC GD की तरफ से निकाली गई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 34,000 पोस्ट के लिए अप्लाई ऑनलाइन होंगे। तो यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट हैं दोस्तों 34,000+, मतलब कॉन्स्टेबल की इन सभी फोर्सेज में जिनका मैंने अभी हाल ही में जिक्र किया 34,000 वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों, पोस्ट नेम आपकी होगी GD कांस्टेबल, मतलब जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। तो यूनिट वाइज वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर ये हैं, BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, आसाम राइफल और NIA। इन सभी के दोस्तों आपके लिए फुल फॉर्म होना बहुत ही जरूरी है, तो फुल फॉर्म मैं आपके लिए बता देता हूँ। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, SSB सशस्त्र सीमा बल और ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, आसाम राइफल और NIA की होती है दोस्तों नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो दोस्तों, ये जो है यहाँ पर यूनिट वाइज वैकेंसी निकली हुई है। अप्लाई मोड आपका होगा यहाँ पर ऑनलाइन। हु कैन अप्लाई में दोस्तों आप देख सकते हैं ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आप मेल हैं या फीमेल हैं कोई भी सही, आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका रिक्रूटमेंट का जो SSC GD रिक्रूटमेंट का आपके पे स्केल होगा 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ तक होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस होगी 100 रुपये, और SC ST और एक्सर्विसमैन या फीमेल किसी भी कैंडिडेट से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, तो उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी। एज लिमिट की यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों। एज लिमिट आपके लिए इन सभी वैकेंसीज के लिए 34,000+ जो वैकेंसीज हैं वेरियस फोर्सेज में, तो एज लिमिट आपकी होगी 18 साल से 23 साल, मतलब 18 to 23 ईयर्स के बीच में आपके लिए होना अनिवार्य होगा। एज पर गवर्नमेंट रूल दोस्तों आपके लिए SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन रहेगी, मतलब 18 से 23 साल यहाँ पर एज लिमिट SSC के द्वारा निर्धारित की गई है। तो आप अगर SC या ST से हैं तो आपके लिए 5 साल की छूट मिलेगी, और आप अगर OBC से हैं तो आपके लिए 3 साल एक्स्ट्रा एज लिमिट मिलेगी। एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर SSC GD कॉन्स्टेबल 2020 के लिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस आपका ये होगा दोस्तों। सबसे पहले आपको होगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में आपका दोस्तों रनिंग होगी, चिन अप होंगे, बीम होंगे, इसी तरह से और भी फिजिकल्स होंगे। उसके बाद में आपका होगा दोस्तों, जो कैंडिडेट्स फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उनका फिर रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम में जो दोस्तों मेरिट लिस्ट में पास हो जाएंगे उनका फिर मेडिकल टेस्ट के लिए उनको कॉल लेटर भेजा जाएगा। उसके बाद में दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके लिए सिंपल 10th पास होना अनिवार्य होगा दोस्तों। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया भर्ती है, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल टेस्ट डिटेल्स दोस्तों आपकी ये होगी, हाइट होगी आपकी 170 सेंटीमीटर मेल के लिए और 157 सेंटीमीटर फॉर फीमेल के लिए। चेस्ट होगा मेल के लिए 80 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंशन होगा फॉर मेल ओनली, और रनिंग होगी आपकी 5 किलोमीटर की 24 मिनट में, और फीमेल के लिए दोस्तों होगी 1.6 किलोमीटर की 8 मिनट 30 सेकंड में।
तो 5 किलोमीटर की रनिंग आपके लिए 24 मिनट में पूरी करनी होगी मेल के लिए। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। स्टार्टिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, दोस्तों आपकी जो एप्लीकेशन ऑनलाइन फिलअप करना स्टार्ट होंगी वो मार्च के फर्स्ट वीक में होंगी, और आपकी जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की सबमिशन की जो लास्ट डेट होगी वो 1 अप्रैल 2020 तक होगी। मतलब मार्च के फर्स्ट वीक से लेकर 1 अप्रैल तक आपको करीब 1 महीने का टाइम मिलेगा आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए। एडमिट कार्ड दोस्तों अवेलेबल सून हो जाएंगे जैसे ही आप मार्च के फर्स्ट वीक में आप आवेदन करेंगे, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके यहाँ पे एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी भर्ती है, इस भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके लिए इस भर्ती से संबंधित कोई भी डिटेल चाहिए तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों हमारे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह से गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस लेकर आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।